हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ, जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले आपको थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक करके मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम से प्रॉपर्टीज से भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर दोस्तों क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, आपको जितने भी नंबर याद है, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चाहे आप उसको 1 लिखिए, -2 लिखिए, √3 लिखिए, या आप 4/5 लिख दीजिए। जितने भी रैशनल नंबर होंगे सभी क्या होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो रियल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरैशनल नंबर हो। तो यहाँ से एक बात और आपको निकल के आती है कि रियल नंबर्स होते क्या है। चलिए यहाँ इसको समझते हैं कि रियल नंबर आइदर या तो रैशनल नंबर हो सकते हैं या तो इरैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि नंबर लाइन में दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे नंबर लाइन पे, किसको, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर हो। तो दोस्तों अगला चीज जो बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बुक में पहला चैप्टर इसी पे वर्क करने वाला है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। तो अ नंबर आर एक नंबर कोई सा है, उसको इरैशनल नंबर कहते हैं। जब कैसे, किसी भी नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। दोस्तों समझिए, पी अपान क्यू का मीनिंग है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। अगर किसी भी नंबर को पी अपान क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि पी एंड जो क्यू है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और जो सेकंड बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इन द सेंस कि क्यू को कभी भी जीरो नहीं करना है। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरे नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बुक में बनेगा कि जीरो क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। तो इरैशनल नंबर क्या होता है, एस इरैशनल नंबर हम मान लेते हैं कि एस एक इरैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर को पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पी अपान क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जबकि पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका एग्जांपल कैसे होगा, सपोज दैट इसके एग्जांपल की अगर हम बात करूं तो √2, √3, √5, पाई, ये इसके क्या है, एग्जांपल है। और भी है, हम बात कर रहे हैं ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है, ध्यान से देखना, जैसे कि यहां पर रैशनल नंबर की एक कंडीशन है कि डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं तो रैशनल नंबर का आइदर ये टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीटिंग होगा। सपोज दैट एग्जांपल हम ले रहे हैं 1/3, अब 1/3 का आप क्या करोगे, निकालोगे रैशनल नंबर, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो क्या आएगा आपका 0.3333। मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इंडस से तुम इसको कैसे लिख सकते हैं ये। तो कंडीशन यहां समझ में आ गई कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरी कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होता है, नॉ रिपीटिंग होता है, उसकी वैल्यू बार बार रिपीट होगी। जबकि इरैशनल नंबर पे ये कंडीशन
नहीं होती। इरेशनल नंबर पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिक्यूरिंग होगा। नॉन रिक्यूरिंग का मीनिंग ये होता है कि नॉन रिपीटिंग, यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। याद है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल इसमें मैंने ये लिखा, ये भी इसका एग्जांपल है, जो कि देखो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। और आगे करोगे तो और हो जाएगा 111 0। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं, शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करते हैं ये सब चीजों को, और जो हमको बेसिक चीज की जरूरत होती है वो भी थोड़ा हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो रुकिएगा, अभी जाना नहीं है, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.1 भी आज सॉल्व करवा दूंगा। चलिए क्या करते हैं, सबसे छोटी सी बात है नेचुरल नंबर, जो बचपन से आप जान रहे हो, 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो उसको। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब कि जो नेचुरली हुआ, नेचुरली जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वहां तक गया नेचुरल नंबर पहले स्टार्टिंग में, ये 9 तक। लेकिन इसके आगे बनाना की प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर क्या आता है आपका होल नंबर। अब होल नंबर के लिए क्या आ रहा है, अंडा, अंडा मतलब जीरो, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो आप कितना भी नंबर आप बना सकते हो। तो जो जीरो इंक्लूड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पहले ये प्राकृतिक संख्या थी, अब जब जीरो मिल गया तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या बन गई, इन द सेंस होल नंबर। अब होल नंबर में जीरो होता है और जबकि नेचुरल नंबर में इतना होता है, यहाँ तक इंफिनिट तक बना सकते हैं। जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर हो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो एल से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर आपका आ जाता है इंटीजर। इंटीजर 3 टाइप्स के हम बता रहे हैं आपको कि एक निगेटिव होता है, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव की एग्जांपल ये दिया है, माइनस इनफिनिट से प्लस 1 तक होता है। जीरो इंटीजर जीरो होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट तक होता है। तो यहाँ से ये बात भी आपको क्लियर आ गई। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इसकी जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इन इट दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में पूछ रहा है, इससे पहले मैंने जरूर आपको बता दिया था कि 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट रैशनल नंबर, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप क्या लिखोगे, एस। एस 0 रैशनल नंबर है, एस कर दिया आपने। लेकिन उसने पूछ रहा क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस, 0/1, 0/2 एंड 0/3 एट इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इन द सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया था कि 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट रैशनल नंबर। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन बहुत जल्द सेकंड करने वाले हैं, सेकंड बताने वाला हूं मैं। सेकंड में क्वेश्चन को देख लीजिए, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करना। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी 2 रैशनल के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या किया है कि इसे पूछ रहा है आंसर 6 रैशनल नंबर करना है। तो यहां पे लिख दीजिए टू फाइंड 6। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो कितने रैशनल नंबर आपको इसके बीच में करना है, 6। तो
आप क्या कर दीजिए, इसमें 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 7, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 7 का क्या कर दीजिए, v मल्टीप्लाई इन द सेंस इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो v मल्टीप्लाई सेवन आया यहाँ पे, वन प्लस करके लिख रहे हैं बी मल्टीप्लाई सेवन इन बो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द सेंस थ्री एंड फोर जो हमारे पास रैशनल नंबर है उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या कैसे करेंगे आप, 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7, यहां से वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 21 अपॉन 7 और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 28 अपॉन 7। अब देखिए इनके बीच की नंबर लिख दीजिए 22 23 24 25 26 एंड इधर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7 और 24 अपॉन 7 और 25 अपॉन 7 एंड 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। तो याद रखना ये जो 28 अपॉन 7 मैंने लिखा है वो इसकी वैल्यू लिख दिया, और जो यहां पे लिखा 21 अपॉन 7 लिखा वो मैंने किसकी वैल्यू लिखा, इसकी। अब इनके बीच में 6 रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इनका अगर आप डेसिमल निकालेंगे ना तो इसके डेसिमल के 3 एंड 4 के बिटवीन ही होगा, 3 एंड 4 के बिटवीन में ही होगा, इनका आप चेक कर सकते हैं और ये रहा आपका आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 कितने रैशनल नंबर, 6 है। अब जितने भी रैशनल नंबर चाहिए अगर कंटिन्यू है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सेकंड की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें डिनोमिनेटर भी दे दिया है, तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 5 रैशनल नंबर निकालना है आपको, ठीक है। 5 रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करते, I प्लस 1 कितना होगा 6, तो आप क्या करोगे v मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो कितना है आपका 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6 और यहां पर कितना है आपका एंड 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 अपॉन 6, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहां पे इनका मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 18 अपॉन 6 5 जा 30 और यहां पे क्या जाएगा 24 अपॉन 30। अब इनके बीच के नंबर आप लिख दीजिए 19 अपॉन 30 20 अपॉन 30 21 22 एंड 23 अपॉन 30 अपॉन 30 अपॉन 30 कितना आसान है, और यहां से आपके ये 5 क्वेश्चन नंबर निकल के आ गए। बिलीव करिए इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं यहाँ तो इनके बीच का ही रैशनल नंबर होगा। अब एक चीज मैं और बता दूं, 100 बार की एक बात, 100 बार की एक बात याद रखना, अगर किसी भी रेशनल नंबर अगर थोड़ा टफ डिफिकल्ट आ जाता है ऐसे कंटिन्यूस में नहीं आता तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बिटवीन रेशनल नंबर निकालना हो तो टू नंबर ए एंड बी होगा अपॉन टू कर दीजिए। ये फॉर्मूला लगा के कितने भी रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं,
सपोज दैट इज सपोज दैट यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, टू नंबर है x एंड y और इनके बीच के रेशनल नंबर निकालना है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, या एक नंबर आपका a है दूसरा नंबर आपका b है, इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे आप a प्लस b अपॉन टू करके रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा है तो 4th नंबर क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। चलिए देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रू फॉल्स बताना है जो ये स्टेटमेंट लिखे हुए है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, शुरू में मैंने बताया था कि जितने एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है, समझ में आ गया मैं कहना चाह रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे इसमें, ट्रू लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्रू, ट्रू, ट्रू क्यों लिख दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इन द सेंस कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इन द सेंस कि 0 1 2 3 तो इतना नंबर क्या है, नेचुरल नंबर होता है ये, तो इन द सेंस कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर पे इंक्लूडेड है, मतलब कि अगर होल नंबर कोई होल नंबर है तो 100% वो अगर नेचुरल नंबर है तो 100% वो होल नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, सिंस द रीजन कलेक्शन कलेक्शन ऑफ होल नंबर, होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, contains all the natural number, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड इन एडिशन जीरो, एंड इन एडिशन जीरो, क्योंकि होल नंबर पे जीरो भी रहता है, एडिशन जीरो, जीरो के साथ होल नंबर होता है, जीरो पॉइंट डालो तो नेचुरल नंबर बन जाएगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या होल नंबर होते हैं। अब याद रखना इंटीजर निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो निगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं होते, तो इसमें क्या लिखोगे आप, फॉल्स। अब फॉल्स लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, क्या लिखोगे, सिंस सिंस negative integer integers is not whole number, right? इतनी बात याद रखना कि जो negative integer होते हैं वो whole number नहीं होते, positive और zero whole number होते हैं, ठीक है। अगला point है every rational number is a whole number, जितने भी rational number होते हैं क्या वो whole number होते हैं। अब rational number याद रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि इस रेशनल नंबर को हम जीरो भी लिख सकता हूं, ठीक है, 0/1, 1/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव की बात मैंने यहीं पे लिख दी कि निगेटिव जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा, यहां भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा। और सिंस में लिख दीजिए, सिंस में लिख दीजिए कि निगेटिव negative integer is not whole number, ठीक है, तो यहां से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी जाना नहीं है, रुकिए के कुछ मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं जो कि आगे चल के आपको काम आने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अलग से नहीं है, जो पढ़ाया हूं उसी में से है। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन करस्पॉन्ड टू रियल नंबर, रियल नंबर के करस्पॉन्ड पे अगर किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हिच मीनिंग की आइदर वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया था कि नंबर लाइन में अगर आप कोई नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हो किसी नंबर को, तो वो दो तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो रैशनल नंबर होंगे या तो इरेशनल नंबर होंगे, और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन, इरेशनल नंबर से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए
क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट करते हैं कि अगर डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर को करते हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू कभी नहीं होती इसमें इरेशनल नंबर में, और नॉन रिपीटिंग होगा। इन द सेंस वो कैसा होगा, सपोज दैट मैं एग्जांपल 2 रूट 3 रूट 5 या 0.01 0.001 ऐसा होगा जो कि कभी रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ नाइदर ना तो, ठीक है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो आइदर टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा सपोज दैट जैसे 2/3/2 ये टर्मिनेट हो जाएगा 1.5, या तो कैसा नंबर होगा 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग 3 3 3 3 ऐसे, ठीक है ये रिपीटिंग हो रहा इधर से 3 3 बार बार आ रहा ये रिपीटिंग होगा, ठीक है ये भी बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट है एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल नंबर या और इरेशनल नंबर, मैंने पहले कितनी बार बता चुका कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं या तो वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस रूल और एक्सरसाइज 1.1 पे सभी क्वेश्चन बता दिया हूँ, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर मैं अगला एक्सरसाइज का लेके आऊंगा और उसको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपको अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए कि और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।